सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सब लोगों को बता दूँ कि जो दिसंबर का ये महीना होता है, ये कॉन्स्टिपेशन अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है। हम लोग पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों को इस पूरे मंथ में कॉन्स्टिपेशन के बारे में अलग अलग टाइप से अवेयरनेस देंगे। अलग अलग डॉक्टर्स आएंगे जो अपने अपने इसमें विचार रखेंगे, और आपको कुछ भी होम्योपैथी के बारे में जो भी ऐसा लगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक देखिए कब्ज की बात है, तो कब्ज एक ऐसा विषय है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिथ होते हैं। मतलब हमें बचपन से शायद ये सिखाया जाता है कि आप सुबह सुबह मोशन नहीं गए तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, आप मोशन नहीं गए तो आप स्कूल नहीं जाओगे, आप मोशन नहीं हुआ तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की जो डेफिनेशंस हैं मेडिकल भाषा में, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। और आपको डेली मोशन नहीं आ रहा है, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं, उन सब में ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन के ऐसे मरीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों का यूज़ करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सलाद खा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट ले रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के लिए चूर्ण ले रहा है, कोई और दवाई ले रहा है, कभी कोई होम्योपैथी की मेडिसिन लेकर के आता है, कभी एलोपैथी की। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक कॉन्स्टिपेशन के बारे में समझना चाहिए कि आखिर कब्ज होती क्या है। तो इसके बारे में हमारे जितने भी दिल्ली होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन के मेम्बर्स हैं, वो आप सब लोगों को अलग अलग राय देते रहेंगे। हम लोग बीच में पूरे मंथ में, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आपको डेली या हर दूसरे दिन मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास वीडियोज आती जाएंगी, हम आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताते जाएंगे। लास्ट में मैं आप सब लोगों को कॉन्स्टिपेशन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। इस पूरे प्रोग्राम को हमारी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नूपुर, वो हैंडल कर रही हैं। उनके नंबर भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपको कुछ जानना है, तो हमसे कनेक्ट रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरे मंथ में आपको कॉन्स्टिपेशन की भरपूर जानकारियाँ मिल जाएंगी। धन्यवाद।